हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में, यानी कि फ्री लीगल एड के बारे में। हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में हर एक नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। भारत सरकार ने 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण जारी किया और इस अधिनियम में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रोविज़न किया गया है। पूरे देश में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई है। अगर किसी ज़रूरतमंद को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करनी होती है तो उसे ज़्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देश के हर एक जिले में बार काउंसिल है। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 9A के अनुसार हर एक राज्य की बार काउंसिल कानूनी सहायता समितियां बना सकती है। ऐसी समितियों में कम से कम 5 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सदस्य होंगे। इस तरह के क्षेत्र में निःशुल्क कानूनी सहायता समितियाँ हो सकती हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली समितियों के लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं रखा गया है कि वो हर एक मामले को कोर्ट में मुकदमा ही दायर करवाएं, बल्कि उनकी सफलता इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति अगर उनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है तो वो उनकी समस्याओं को सुन के, अगर पॉसिबल होता है तो वो उनकी समस्याओं का निदान वहीं पर कर देते हैं और कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये फ़ायदा होता है कि लोग व्यर्थ के मुकदमे करने से बच जाते हैं। कोर्ट में बहुत से ऐसे मामले दायर होते हैं जिन पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर दोनों पक्षों की मीडिएशन करे तो उन विवादों का निपटारा कोर्ट के बाहर रहकर ही हो सकता है। इससे जहाँ तक समय की बचत होती है और साथ ही धन की बचत भी हो जाती है और आपसी रंजिशें बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं और कोर्ट पर भी मुकदमे का भार कम हो जाता है। बेहतर यही होता है कि जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो जाए तभी मुकदमा कोर्ट में दायर करना चाहिए। गरीब, मजदूर, पिछड़ी जातियों के लोग, अनपढ़ और बेबस लोग और महिलाओं को काफ़ी हद तक कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ये होती है कि कानूनी सहायता चाहने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी चाहिए, अर्थात वो वास्तव में ही इस योग्य ना हो कि वकील की फ़ीस आदि को सहन कर सके। दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्या वो वास्तव में मुकदमा ये व्यक्ति करने जा रहा है उसमें कानूनी सहायता देना सामाजिक दृष्टि से होगा या फिर नहीं। तीसरी शर्त यह होती है कि कानूनी सहायता चाहने वाला व्यक्ति जो मुकदमा अदालत में पेश करना चाहता है वो वास्तव में सच्चा भी है या फिर नहीं। उसे कोर्ट में ये भी प्रूफ करना होगा कि वो कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर आरोपी व्यक्ति की तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और वो अपना मुकदमा लड़ने के लिए किसी वकील की फ़ीस को नहीं सह सकता, तब कोर्ट उस व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर किसी वकील को नियुक्त कर सकती है। हर एक राज्य में उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मुकदमों को लड़ने के लिए वकीलों के चलन के लिए नियम बना दिए जाते हैं और ये भी निर्धारित कर दिया जाता है कि ऐसे मुकदमों को लड़ने वाले वकीलों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। इसी तरह सिविल मामलों में भी अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और वो कोर्ट की फ़ीस अदा नहीं कर सकता तो कोर्ट में उसे एक प्रार्थना पत्र देना होता है कि उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को एक एफिडेविट भी देना होता है और इस एफिडेविट में उसकी पूरी प्रॉपर्टी का विवरण होता है और साथ में ये भी होता है कि वो कोर्ट की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरह के व्यक्ति को कोर्ट फीस और जमानत की राशि जमा कराने में छूट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि फ्री लीगल एड किस तरह से मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।